हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वी टू रीच एंड बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे हाजिर हैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है वन शॉट सीरीज महान रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड जी हां और ये किसकी आपके हिस्ट्री की चैप्टर नंबर एट स्पीट सा चैप्टर है आर्ट ये नहीं लगाएगी आपकी वाट और आप लोग एग्जाम में करके आएंगे अच्छे से अच्छा मार्क्स ठीक है टूरिज्म एंड हिंडस्ट्री अपना हिस्ट्री ये चैप्टर का नाम है स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल द चैप्टर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना लाइक कमेंट करके जरूर जाना और आगे देखिए कारवां चलेगा मजा ही आएगा पैंतालीस मिनट तक हमसे जुड़े रहो ये वादा है हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं टूरिज्म इन द पास्ट टूरिज्म मतलब क्या होता है इस ये सब जानते हैं घूमना फिरना सभी को पता है ये घूमना फिरना या घुमाना फिराना अरे यार लड़के समझदार हैं लड़कियां समझदार है सब समझ जाते हैं ट्रैवलिंग इज एन ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया पुराने टाइमों से चला आ रहा है आप फिर से हर एक चीज़ का आप चैप्टर को देख रहे हो दोस्तों हर एक चीज़ को बोलते हैं पुराने टाइमों से चला आ रहा है तो हर एक चीज़ का आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं एक बोलते हैं ना कि आप एक दो पॉइंट डाल सकते हैं जिसका आपका आंसर बढ़ेगा यही डालिए कि बहुत एंशेंट टाइम से चला आ रहा है टू गो फॉर लोकल फेयर्स जैसे मेले फेस्टिवल्स त्यौहार वॉज कॉमन इन ओल्डन डेज उस टाइम पे इन्हीं सारी चीजों के लिए जाते थे पीपल ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर गुड एजुकेशन जैसे कि नालंदा जाते थे तक्षशिला जाते थे तक्षशिला से कौन पढ़े लिखे हैं आपके द ग्रेट चाणक्य तो जाते थे पढ़ने निकले के लिए तो जब भी हम एक जगह छोड़े और दूसरी जगह जाए तो उसे हम बोलते हैं टूरिज्म एंड ट्रेड मतलब व्यापार सो so, तीन चीजें लोग को ध्यान रखना है एक तो पहला ये सब सारी चीजें दूसरा गुड एजुकेशन एंड थर्ड ट्रेड के लिए जाते थे सामान यहां से वहां बेचते थे टू तो लुक फॉर न्यू रीजन ट्रेड एंड टू तो प्रपोकेट रिलीजन द रीजंस फॉर विच पीपल ट्रेवल फॉर एंड पिलग्रिमेज वाइज ठीक है तो अभी देखिए पहला तो ट्रेड हो गया दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको लगता था कि मेरे को मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करना आई हैव टू एक्सपांड माई रिलीजियस बेस तो वट दोज पीपल वे डूइंग तो वो अगर एक जगह पहले अपना कुछ अगर बोलते मैसेज देते थे तो दूसरी जगह भी जाते थे वहां पे भी मैसेज देते थे तो वो ट्रैवल करते थे आप जितने भी रिलीजियस गुरुज को देखोगे जो भी सेंट्स थे वो हर हाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते थे एक जगह नहीं रहते थे तो ये भी तो हमारा टूरिज्म ही कहलाएगा सो so, ऐसे होता था नेक्स्ट अब ये सब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है अगेन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दो मार्क्स के आएंगे या, या okay. इतने इतने किए थे इलेवन फिफ्टी नाइन से तक से और कहा के थे स्पेन के ओके द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर और उन्होंने थे. बोल से तो नहीं, नहीं पता करना विजिटेड मेनी कंट्रीज इन यूरोप अफ्रीका एंड एशिया तीन का जानते हो यूरोप कॉन्टिनेंट अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट ही रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन हिज डायरीज विच आर कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्ट्री क्योंकि ये इस टाइम पे गए थे तो इस टाइम पे वर्ल्ड कैसा था जानना है तो इनकी बुके पढ़ लो मार्को पोलो थर्टीन सेंचुरी में और उसके बाद भी एशिया स्पेशली चाइना बिकेम नोन टू यूरोप ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दे दिया यूरोप को ये मार्को पोलो ठीक है बिकॉज ऑफ तो ये लिखते थे तो लोग समझते थे कि अच्छा चाइना ऐसा अच्छा एशिया ऐसा है तो एशिया पूरा लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी थी चाइना के बारे में ही रोट अबाउट द रिच फ्लोरा एंड फोना एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में सोशल लाइफ मतलब लोग वहाँ पर गरबा खेलते इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड सिस्टम इन एशिया तो तीन चीजों के बारे में आप लोग हमेशा याद रखो कि रखोगोना दूसरा हमारा हो जाएगा वहां का ट्रेड के बारे में और कल्चर कैसा था वो लोग का सोशल लाइफ कैसा था इसके बारे में कुछ बताया मार्को पोलो ठीक है फिर से बोलो मार्को पोलो अब बतूता फोर्टीन सेंचुरी के थे ये ही उसी टाइम ये किए ही ट्रेवल फॉर थर्टी एंड मेड अ रिजोल्यूशन एक प्रॉमिस किया खुद से कि नेवर टू Take the same route twice. तो ये जानते थे कि लाइट लिमिटेड लाइफ लिमिटेड एक ही रस्ते से मैं वापस नहीं जाऊंगा तो इवन अतूता पड़ेगा जूता अगर एक रस्ते से मैं दो बार गया तो ये इनका एक प्रॉमिस था खुद से किया हुआ ठीक है वर्चुअल ट्रेवल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड तो ये इस तरीके से कुछ लिखते थे कि लगता था कि अच्छा लोग घर पे बैठे बैठे हमारे इंडिया अगर समझिए जो लोग ईरान हैं और और सऊदी अरेबिया में उनको वहाँ पे घर पे बैठे उनकी बुक पढ़ के लगता था अच्छा अजमेर शरीफ में ऐसा ऐसा अच्छा ये भी स्ट्रक्चर ऐसा रास्ता है इतना अच्छा वो लिखते थे इस्लामिक वर्ल्ड को पूरा इन्फॉर्मेशन देते थे हिज अकाउंट्स हेल्प रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड मिडीवल हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ तो ये जब बताते थे इस्लाम से जुड़े तो आगे पीछे की सोशल लाइफ लोग कैसे कपड़े पहनते क्या खाते पीते हैं और कौन सा रिलीजन है इंडिया जैसी कंट्रीज में तो ये सब रिलेट करके बताते साथ ही साथ इंडियंस को भी बाहर के बारे में पढ़ने का मौका मिलता था क्यों क्योंकि कौन बंदा ट्रैवल कर रहा था इबन बतूता तो जिराडस मार्केटर मार्केटर है ये 16th सेंचुरी के अराउंड ट्रैवल कर रहे थे उसी के दौरान के नेदरलैंड बेल्जियम के थे ठीक है आज हम लोग बोलते हैं ही वॉज अ कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर मतलब मैप मेकर मैप बनाते थे हु मेड अ वर्ल्ड मैप एंड द ग्लोब ऑफ द अर्थ तो देखिए उस टाइम पे सब लोग कुछ लोग जो वर्ल्ड का मैप बनाते थे फ्लैट बनाते थे कुछ लोग ऐसा बनाते थे और कुछ इस लोग में भी यूरोप यहाँ पे इंडिया यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा देते गलत सलत करते थे सबसे बड़ा टास्क उस टाइम पे क्या था टू मेक करेक्ट मैप ऑफ वर्ल्ड तो ये क्या थे वही मैप मेकर थे मैप प्रूव टू बी यूजफुल एंड गे मोमेंटम टू नेविगेशन तो इनका मैप करेक्ट था कि यहां से आप यूरोप में से अगर ईस्ट में जाते हो यहां समुंदर के रास्ते से तो आपको इंडिया मिल जाएगा सो मैप करेक्ट तो क्या हुआ बहुत सारे डिस्कवरर जो थे जो नए नए कॉन्टिनेंट पता करना चाहते थे जी हाँ कॉलोनाइजेशन के लिए वो इन्हीं के रस्तों के मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते थे नेक्स्ट रिलीजियस टूरिज्म डू यू नो फेवरेट पार्ट हमारे गाने से मैच करता है ठीक है इट इज मेन्शन इन बुद्धिस्ट इन इंडिया इन सी गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट मॉन्ग ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली ऑल डिस्कोर्सेस ऑन धर्म ये गलत होगा शायद से बी सी होगा बी सी सिक्स थर्टी भी बोलना गलत होगा क्योंकि बुद्ध बुद्धिस्ट टेक्स बताते अच्छा ठीक है चलो चलो हम लोग इसको इस तरह से देखते गाइस जो सिक्स थर्टी की बुकें लिखी गई थी कॉमन एरा में कॉमन एरा क्या होता है जीजस क्राइस्ट के बाद तो यहाँ पे जो बुकें लिखी गई थी अब जो हमारे ये थे आ, जो बुद्ध थे वो फोर हंड्रेड बी सी के नज़दीक में थे ओके तो यहाँ पे कुछ बुकें हैं तो ये बुक में क्या लिखा गया है जो बुद्ध यहाँ पे ट्रैवल करते होते हैं और तो मॉन्ग जो जगहों जगहों पे ट्रैवल करते हैं तो ये बुक कौन से एरा की है सिक्स थर्टी सी की इस तरह से दिया है ठीक है चलो और ये सब क्यों जाते थे धर्म मतलब रिलीजन के लिए अपना नॉलेज यहां वहां फैलाने के लिए इवन द जैन मॉन्स एंड साधुस ट्रेवल कॉन्स्टेंटली ऑल ओवर द इंडिया तो पहले बुद्ध और बुद्धिस्ट मोंक दूसरा जैन मॉन्क और तीसरा साधु ये तीनों लोग ट्रेवल करते थे ये रिलीजियस टूरिज्म बोला इसको द चाइनीज मोंक भी थे युआन शुंग विजिटेड इंडियन सिक्स थर्टी सीई ठीक है तो ये हम लोग को एक बार डेट चेक करना पड़ेगा कि सिक्स थर्टी सी क्योंकि यहाँ पे भी आया है तो एक बार आप कन्फर्म कर लेना ठीक है क्योंकि कई बुकों में ऐसे इस दौरान कई बुकें लिखी थी कई बुकों में बुद्ध के बारे में मेंशन था अदरवाइज मैंने आपको करेक्ट एरा बता दिया कि बुद्ध कब थे और ये बुकें कब की थी सो so, उस टाइम पे कौन आए थे युवान शोंग तो वो भी एक चाइनीज़ मॉन्ग थे चाइना से आए हुए थे थ्री में तो उन्होंने भी लिखा संत एक संत नामदेव गुरु नानक गुरु नानक कहाँ से हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारे यहाँ पे सिक्स हैं

कि अच्छी चीज़ें कैसे करना है कैसे एक दूसरे रिलीजन को हेट नहीं करना है तो ये लोग ऑल ओवर इंडिया भी ट्रैवल किए और विद इन द रीजन भी ट्रैवल किए तो कुछ लोग जो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो बुद्ध थे वो बुद्धिस्ट वाली थिंकिंग दी और जो अपने सिख वाले थे वो सिख रिलेटेड थिंकिंग दी और हिंदू जो थे वो हिंदुइज़म रिलेटेड थिंकिंग थी नेक्स्ट थॉमस कुक थॉमस कुक इन द लेटर हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी थॉमस कुक ऑर्गेनाइज अ ट्रिप फॉर सिक्स हंड्रेड पीपल फ्रॉम लिस्टर टू लॉब्रो इन बाय द रेलवे तो ये यूके के अंदर बोले कि देखिए लिस्टर से हम लोग कहाँ जाएंगे लॉब्रो तक जाने वाले हैं कितने लोगों को छः सौ लोगों को लेके गए लिस्टर टू लॉब्रो सक्सेसफुल सरकम उन्होंने क्या किया और आगे चल के पूरा यूरोप को कवर कर लिया था इतना ज्यादा ट्रैवल ये पहले बार किया और फिर आगे चलकर ये भी किया उन्होंने पूरा यूरोप को सरकम मतलब एक बार उसको घूम लिया लेटर ही ओपन द ट्रेवल एजेंसी एंड शोड टूरिस्ट तो ये सब आइडिया की सोचिए आज जो आप देखते हो कि टिकट बिक रहे हैं जाके ऑनलाइन ले लो तो ये सब सिस्टम कहां से है थॉमस कुक का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्होंने क्या किया एजेंसी खोली कि अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना है तो डोंट वरी आपको होटल चाहिए तो मैं दे दूंगा ट्रेन और रेलवे से जाना है तो ये बताइए कैसे बुक करें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कैसे करना है और इसके साथ कितने लोग हैं आपके वो बता दिए मैं सब अरेंज करके दूंगा जस्ट गिव मी मनी तो ये सब किसने किया पहली बार थॉमस कुक हिज वेंचर्स ओपन द डोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म मॉडर्न टूरिज्म ठीक है तो आज की जो मॉडर्न टू पहले टूरिज्म क्या था ऐसे दोस्त निकल जाओ बिना खाने पियाने के और जाकर खुद डिस्कवर करो अब क्या होता है आपको पता होता है कि ये सब सारी चीजें आप फोटो में देख लो जस्ट आपको पहुंचना होता है लेकिन सेफली तो सेफली सिक्योरली पहुंचने का किसने पहली बार शुरू किया थॉमस कुक ने नाम याद रखना माजा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की ये क्या थी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो विष्णु भट्ट गोडसे इन ट्रैवल लॉग जब ये ट्रैवल करते थे तो अपने जो लॉग थे वो लिखते रहते थे आज आप लोग व्लॉग सुनते हो ना तो वीडियो वीडियो रहता रहता है वी लौग, वीडियो लौग जो रहता है जो और ये मतलब ट्रैवल करते हुए बैक फ्रॉम अयोध्या टू महाराष्ट्र ये जर्नी के बारे में लिखे, उसी जर्नी में ही वॉज द आई विटनेस टू द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन एटीन फिफ्टी सेवन तो जब ये ट्रैवल करते थे इसी दौरान आप लोगों को पता होना चाहिए 1857 की पहली लड़ाई हुई थी लड़ाई तो हो रही थी लेकिन बड़े स्केल की जब मिलिट्री वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ वो 1857 में हुई थी और उसी को उन्होंने अपने खुले आंखों से ये चीजें देखी थी समझी थी और लिखी थी ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन द वेरियस इंसिडेंट ऑफ दैट पीरियड यहाँ पे जो भी हो रहा था इस पीरियड के रन उसके बारे में वो लिखते थे एंड ऑन द लाइफ ऑफ क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई उनके बारे में भी लिखा हिज राइटिंग गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नेचर ऑफ मराठी लैंग्वेज इन दी एटीन सेंचुरी मतलब मराठी लैंग्वेज कितने लोग बोलते थे या ऑल ओवर इंडिया बोलते थे या फिर जो बोलने का जो एक बोलता था तरीका था द वे टू स्पीक वो कैसा था और हिंदी इंग्लिश बीच में या हिंदी या इंग्लिश का बीच में इंक्लूड करते थे कि नहीं जैसा मी फेडअप झा लो अरे तो ये फेडअप इंग्लिश है ना तो ऐसे आजकल मराठी बोलते हैं तो कैसे था क्या उसका नेचर था वो उन्होंने बताया कि मराठी यहाँ पे लोग कैसे बोल रहे हैं और कितने लोग समझते हैं ऑल ओवर इंडिया ऐसे सारी चीज़ें उन्होंने अपने उसमें सारी चीज़ों में लिखा सो so, ट्रैवल लॉग टू महाराष्ट्र दूसरा एटीन फिफ्टी सेवन वॉर का उन्होंने अपने आंखों से दे देखा था उसी दौरान उन्होंने सबके बारे में सब इंसिडेंट के बारे में लिखा लेकिन साथ ही साथ रानी लक्ष्मी बाई के बारे में भी लिखा चौथा उन्होंने नेचर ऑफ मराठी स्पीकिंग इन दी ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो द महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने लिखा प्रवासी बुक का नाम इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हर एक चीज को लिख दो कि इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री पास्ट के बारे में हमको बता के दे देंगे इजी टीजी चलो बे, बोलते ना इजी टी कोजी ऐसे पढ़ाई करिए टाइप्स ऑफ टूरिज्म लोकल इंटरस्टेट इंटरनेशनल जोग्राफिक टूरिज्म इसी के अलावा और भी रहता है ये नंबर थोड़े गलत हो गए रिलीजियस हेल्थ हिस्टोरिकल साइंटिफिक जोग्राफिक टूरिज्म देखिए इसमें वापस एग्रो टूरिज्म कल्चरल टूरिज्म स्पोर्ट्स टूरिज्म एजुकेशन इको टूरिज्म ये सब टाइप्स ऑफ टूरिज्म है तो एक करके पढ़ते आइए डिफरेंस इन लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म लोकल और इंटरा स्टेट लिखना चाहिए इंटर स्टेट क्या होता है देखिए दो स्टेट के बीच में जब होगा ये समझो हमारा महाराष्ट्र और ये कर्नाटक ये दो स्टेट के बीच में टूरिज्म होता है इसको बोलेंगे इंटर स्टेट लेकिन ये महाराष्ट्र स्टेट ये मुंबई है ये हमारा नागपुर है और एक स्टेट के अंदर ही हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट ठीक है कलर चेंज कर लें ओके ट्रैवलिंग इज इज़ी अब इसकी खासियत क्या है लोकल जब हम लोग करते हैं या इंटर स्टेट क्या ट्रैवलिंग इज इज़ी नो हैज बिकॉज ऑफ पेपर वर्क तो मतलब कोई कागज वीजा पासपोर्ट थोड़ी बना तो नो पेपर वर्क नो नीड ऑफ वीजा करसीचेंज no क्योंकि अपने देश में सब जगह क्या चलता है रुपीजी, तो आपको कोई खाने पीने की चीजें में अगर समझिए आप जा रहे हो कहीं पर कुछ चीजें आपका समझो हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप उस दिन नॉनवेज नहीं ट्राई करना चाहते वेज में ऑप्शन तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते लेकिन आप फॉरिन में जाओगे क्या ही चेंज कर पाओगे क्योंकि उनका तो फिक्स है उनके हिसाब से बना हुआ है सब कुछ और नहीं कर सकते ना लैंग्वेज मोस्टली इज नॉट एन ऑब्स्टिकल आप जाइए हर जगह हिंदी बोलिए इवन मराठी इंटर स्टेट या यहाँ पे जाए समझ ही जाते हैं लोग वी कैन स्टे एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट हम लोग जितना लंबा चाहे उतना लंबा रह सकते हैं क्योंकि वीजा और पासपोर्ट नहीं होता है। वीजा में क्या होते हैं कि थर्टी डेज के लिए रहना है हमारे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन सालों साल घूमो वहीं पे इंटरनेशनल में क्या दिक्कत होती है देखिए इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रैवल क्योंकि आप लोग को यहाँ पे वीज़ा और ये सब चाहिए इट इज़ एजेंशियल टू कीप डॉक्यूमेंट्स विथ अस तो आपको अपना आधार कार्ड रखना पड़ेगा फिर और पासपोर्ट रखना पड़ेगा वीज़ा रखना पड़ेगा ये सब सर्टिफिकेट रखने पड़ेंगे अगर आप दूसरे देश में जाते हैं वीज़ा इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल इन अ फॉरिन करेंसी करेंसी एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड देखिए उसका उल्टा ही रखना है वहाँ पर नहीं थी यहाँ पर ज़रूरत रहेगी फिक्स इटनरी हैज़ टू तो बी फॉलोड वी कैन नॉट चेंज इ विथ आवर कन्वीनियंस ठीक है शिफ्ट हो जाती है थोड़ा सा पीपीटी में ये वर्क हो जाता है तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे सो मेक श्योर तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है आइटम वो सेम ही रहेंगे जैसे कि अगर वहाँ पे वो दे देते हैं बहुत सारे जो समुद्री आइटम रहता है जो बोलते हैं ना मरीन जो उनकी डिशेज रहती हैं उसमें ऑइस्टर दे देंगे तो वो कच्चा ही खाना पड़ेगा तो मिस्टर बीन का नहीं देखे आप खाते तो उनको कड़वा लगता है तो तुरंत फेंक देते हैं सो यू कैन नॉट चेंज आपको समझेगा नहीं पहली बात तो क्या है वो तो ये दिक्कत तो फॉरन में ट्रैवल करते वक्त रहेगी लैंग्वेज कैन बी एन ऑफ्टिकल अगर आप रशियन में जा रहे तो रशिया में जा रहे हो इस्ते नहीं शपश कुछ ऐसा ही बोलते हैं वो लोग तो वो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी दिक्कत है और स्टे इन फॉरन लैंड इज लिमिटेड जो वीजा में जितने डील लिखे गए हैं उतने दिन ही आपको फॉलो करना पड़ेगा तो ये सब नेशनल इंटरनेशनल के लिमिटेशन और फायदे थे अब इंफॉर्मेशन ऑन टाइप्स ऑफ टूरिज्म तो ये पहला कर लेते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म में क्या करते हैं आप लोग जब आप बोल कब इसे बोलेंगे कि हिस्टोरिकल टूरिज्म है टूर्स आर अरेज टू दैट द इंटरेस्ट ऑफ दीपल टूर्स आर अरेन्ज टू सी फोर्ट्स बैटल फील्ड एंशियंट मोन्यूमेंट्स तो आपका जैसा इंटरेस्ट है किसी को अगर समझो चाहे फॉरेन से चाहे इंडिया का उसको अगर पुराने किले देखने फोर्स देखने या पानीपत का लैंड कैसा था महाभारत कहाँ पे हुआ तो सब जगह कुरुक्षेत्र देखना है वो लोग को तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये सब फिक्स होता है और जब वो ऐसी जगहों पर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाएँ या एनशियट चीज़ें देखनी है जैसे कि हम लोग को देखना है कि डांसिंग गर्ल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इतुसी है वो देखना है तो आप जब वो जगह पर जाओगे देखने तो ये टूरिज़्म कौन सा टूरिज़्म कहलाएगा We'll call this tourism as a historical tourism. Historical tourism is not unknown. The mention of hiking tours to forts by Gopal Nilkant Dandekar gives. टेस्टिमोनियल टू दिस फैक्ट तो मतलब क्या ये नहीं कि आज मॉडर्न जमाने के लोग ही ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करने या ट्रैकिंग करने जाते हैं तो हमारे जो गोपाल नीलकान्त दांडेकर थे ये ऑलरेडी ऐसा काम कर चुके थे ही अरेंज द टूर्स टू फोर्स लिंक्ड टू छत्रपति शिवाजी महाराज तो ये क्या कहते हैं जो लोगों उस टाइम पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इरा के बाद जो आए थे लोग उनको अगर छत्रपति शिवाजी महाराज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है मोटिवेशन लेना है उनकी चीज़ों को देखना है तो ये अरेंज करके देते थे तो अगर जब भी हम पुरानी चीज़ों को देखने जाते हैं तो

हिस्टोरिकल टूरिज्म और आपको मोटिवेशन और देश के बारे में प्राइड देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलो सब कुछ बढ़िया जा रहा है जोग्राफिक टूरिज्म पीपल आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू सी दी बीचेस मतलब बीच जो मुंबई में जानते होंगे माउंटेन रेंजेस जब माउंटेन ऐसे बहुत सारे एक साथ होते तो उसे माउंटेन रेंजेस बोलते हैं वैलीज तो इनके माउंटेन्स के बीच की जो जगह रहती है इसको क्या बोलते हैं वैलीज ये जो खाली जगह है जहाँ से नदियाँ बहती हैं रिवर्स फ्लोर स्नो कैप पीक्स तो ऐसा जो माउंटेन्स होते हैं उस पर स्नो अगर कैप पीक मतलब बहुत ज़्यादा पीक है इसमें और यहाँ पे क्या रहते हैं स्नो यहाँ पे ऐसा स्नो गिरता रहता है ठीक है नेक्स्ट एनिमल सेंचुरीज को देखने जाते हैं जैसे नेशनल पार्कस में आप लोग जाते हो ऑल दिस बिकम्स पार्ट ऑफ जोग्राफिक टूरिज्म दोस्तों टूरिस्ट गो टू सी विध इंटरेस्ट लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स इन दी उत्तराखंड पहला ये नाम लिखना जरूर लिखना ये वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए दूसरा क्रेटर लेक एट लोनार ये दूसरा ठीक है लोनार लेक भी इसी को बोलते हैं रजन खलगी एट निगोज इन महाराष्ट्र तो रंजन खलगे क्या रहेगा ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा तो ये एग्जाम्पल बहुत है फीलिंग द ब्लेक्स और मैच दॉली में क्वेश्चन बहुत आते हैं वैल्यू ऑफ फ्लावर कहाँ पर रहेगा उत्तराखंड ठीक है रंजन खलगे कहाँ पर रहेगा निगोज इन महाराष्ट्र में रहेगा ठीक है थीके? तो इस तरह से आप लोग को मैच करने को ये आ जाएगा नेक्स्ट हेल्थ टूरिज्म अब हेल्थ टूरिज्म क्या होता है अपने हेल्थ के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि समझो किसी किसी को अगर दिक्कत है कोई अगर समझो ऑपरेशन कराना और वो सेंटर सिर्फ दिल्ली में एम्स में तो जब आप यहाँ से वहाँ जाओगे हेल्थ के पर्पज से तो उसको बोलेंगे हेल्थ टूरिज्म या फिर आपको जाना है योग करने वी पास ना करने तो वो भी आप हेल्थ के लिए जा रहे हो मेंटल पीस के लिए जा रहे हो तो दैट विल अगेन पार्ट ऑफ दी हमारा हेल्थ टूरिज्म अफोर्डेबल एंड क्वालिटेटिव हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया विच अट्रैक्ट मैनी फॉरनर्स तो देखिए अफोर्डेबल मतलब चीप भी है सस्ता है और दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी है ए वन क्वालिटी हमारी योगा वेगा अगर सीखना है तो आइए इंडिया में कभी और देखिए कि कितना अच्छा हम लोग सिखाते हैं तो ये सब कहाँ पे हैं इंडिया में तो लोग आते हैं बहुत सारे फॉरिनर्स आते हैं Being a tropical country. Country मतलब क्या है? होता है देखो, होता होता है है और होता है। तो इंडिया यहीं पे situated है। तो तो यहीं हमारे पास तीन सौ डे तक की लाइट रहती है तीन सौ दिनों की लाइट सीधा आती रहती है सन से ही तो हम लोग के पास अच्छा मौसम है एम्पल सनलाइट इज अवेलेबल इन इंडिया विच इज द मेजर अट्रैक्शन टू टूरिस्ट फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन तो उनकी यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो गर्मी लेने के लिए हमारी

राइस या वीट ग्रो करते हो लेकिन आपको और नई टेक्नोलॉजी चाहिए नए सीड चाहिए तो उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई कॉलेज विजिट करते हो या गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूट को विजिट करते हो ताकि अच्छी क्वालिटी के सीड नॉलेज पा जाओ आप तो ऐसे टूरिज्म को बोलते हैं हम लोग एग्रो टूरिज्म चलो विजिट टू एग्रीकल्चर सेंटर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देखिए कम्स अंडर एग्रो टूरिज्म दूसरा अब विजिट टू कंट्रीज लाइक देखिए हमको इंडिया को जैसे कि ना ये लोग क्या करते हैं इसराइल लेस वाटर में ज़्यादा ग्रो कैसे करके दिखाएं टेक्नोलॉजीज कैसे इस्तेमाल करें क्योंकि यूएस में क्या दोस्तों बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करते हैं बिग साइज मशीन्स लेकिन हम लोग को इसराइल क्या बोलता है कि एक सिंगल बंदा कैसे चला सकता है छोटी मशीन तो वो मशीन बना के कौन देता है इसराइल तो इसराइल इंडिया का बहुत बड़ा हेल्प करता है कि इसमें एग्रीकल्चर में इसराइल टू स्टडी द नोवल एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रो टूरिज़म तो देखिए अपने देश के अंदर ही यूनिवर्सिटीज़ या हम लोग टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स में जाते हैं तो वो एक या फिर देश के बाद इसराइल के पास जाते हैं क्योंकि वो क्या है उसके पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अच्छे अच्छे प्रैक्टिसज हैं तो वो सीख के हम लोग आते हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे एग्रो टूरिज़म स्पोर्ट टूरिज्म जब स्पोर्ट्स अब इसमें किसके लिए जाते हैं tourism, है, आप इट इज टाइप ऑफ़ टूरिज्म क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया स्पोर्ट्स का ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में तो लोग अब जाते हैं यहां वहां विच डेवलप्ड इन दी एट सेंचुरी जो नया वाला है सबसे न्यू टाइप वाला है विम्बलडन ये किससे होता है रिलेटेड टू हमारे टेनिस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ओलंपिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड सच अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज तो लोग जाते हैं ट्रैवल करते हैं ट्रैवलिंग टू अटेंड इवेंट्स लाइक हिमालयन कार रैली रेसलिंग कॉम्पिटिशन कम्स अंडर स्पोर्ट्स टूरिज्म तो आप लोग नहीं स्टेडियम में जाते हो रेसलिंग देखने के लिए जो हमारे आजकल तो हम लोगों जैसे प्रो कबड्डी आ गया है प्रो रेसलर्स आ गए प्रो रेसलिंग आ गया, है, रेस्लिंग आ गया है, तो ऐसे दे कबड्डी ऐसे कुछ आता है ना तो उसके लिए भी लोग देखेंगे ऑडियंस जाते हैं तो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे इवन अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं दैट बिकम्स टूरिज्म चलो कल्चरल टूरिज्म अच्छा दोस्तों कल्चर क्या होता है देखो कल्चर और रिलीजन दोनों अलग कैसे होते हैं रिलीजन मतलब क्या होता है हमारा जो जिसको भी हम बिलीव करते हैं चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो चाहे जीसस क्राइज हो ये बंदा उनको कैसे वो खुश करता है उनकी वर्शिप कैसे करता है उसको बोलते हैं हम रिलीजन ठीक है और उसके लिए जो भी तौर तरीके फॉलो करने वाले कल्चर क्या होता है कल्चर में आपका सारा चीज़ लैंग्वेज मील खाना आपका आपका फिर इस तरह से चलना डलना आपके दूसरे सारे जो हम लोग बोल सकते हैं इवेंट ड्रेसिंग और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है रिलीजन फिर ये सब सारी चीज़ें किसका पार्ट होती है कल्चर ठीक है ये सब बहुत सारी चीज़ें कल्चर बहुत सारी चीज़ों से होती है ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड दी कल्चर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन कंसिडर एज अ कल्चर टूरिज़्म दो तीन चीज़ें पहला तो कल्चर दूसरा हिस्ट्री और तीसरा हमारा ट्रेडिशन ये तीन चीज़ें जब समझने के लिए आप ट्रैवल करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म कौन सा टूरिज्म दोस्तों कल्चरल टूरिज्म है तो वहाँ के लोग जैसे हम राजस्थान गए तो वहाँ पर दाल बाटी चूरमा खाना चाहते हैं वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं वो नाश्ते कैसे हैं डांस इवन डांस देखो इसमें फार्म आ जाएगा ठीक है ये भी इसी का फॉर्म हो जाएगा तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म विजिट टू तो रेपूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हिस्टोरिकल मेमोरियल्स आर पार्ट ऑफ इट इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप जब जाते हो जैसे कि आप ट्राइबल इलाके में गए उनकी लैंग्वेज और उनके ये सब जानने के लिए तो ये सब किसका पार्ट है कल्चरल टूरिज्म का विजिटिंग म्यूजिक डांस एंड डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट में भी होता है ना तो आप जाते हो वहाँ का पिक्चर देखने वहाँ की सब सारी चीज़ों को जानने के लिए नॉर्थ ईस्ट मतलब नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये सब जो है ये सब जगहों पे हम लोग जाते हैं कभी कभी उनके कल्चर को देखने के लिए स्टडी एंड टू स्टडी एंड गेट अ ग्लिम्स ऑफ लोकल कल्चर इज नोन एज कल्चरल टूरिज्म तो पहले वाले में कल्चर ट्रेडिशन जानना चाहते हो आप लोग दूसरे वाले में क्या लिखोगे आप लोग कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हो हिस्टोरिकल जगहों पे मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हो दैट आल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी देखने मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते दैट आल्सो बिकम बिकम पार्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप जब फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हो तो ये किसका पार्ट हो जाता है अगर लोकल कम्युनिटी के बारे में वहाँ पे जो लोग रहते हैं जैसे कोली लोग के बारे में जानने के लिए आप जाते हो वहाँ पे कोस्टल इलाकों में तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म टूरिज्म बेस्ड ऑन लास्ट पार्ट होगा शायद से स्पेशल इवेंट पे कुछ स्पेशल चीज़ें आ गई देखो मेनी रिलीजियस एंड लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस आर हेल्ड इन दर्ल्ड तो बहुत सारे रिलीजन ऐसे नहीं बोलते हम लोग स्पेशल इवेंट कैसे होता है जैसे कुंभ मेला कई सालों में एक बार होता है तो उसके वजह से लोग जमा होते हैं दैट बिकम स्पेशल इवेंट और ऐसे ही क्या होते हैं लिटरेरी लिटरेरी मतलब क्या होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लि, लि, चीज़ों से और इससे जैसे कि आपने देखे आजकल हर एक न्यूज़ चैनल क्या करते हैं मंथन ऐसा स्टेज कट्टा ऐसे कर, कुछ करके ना बोलते हैं ना स्टेज बना के रखते हैं बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं अपने ओपिनियन रखने के लिए उस टाइप का इवेंट इंटरनेशनल सेमिनार्स बुक एग्जीबिशन देखिए बुक एग्जीबिशन पे बुकें बहुत सारी रखी होती है पढ़िए और पसंद आए तो खरीद लीजिए सस्ते रेट में मतलब जो होती है, are, जैसे आपका आइफा अवार्ड ये सब स्पेशल इवेंट है सच इवेंट्स प्रमोट टूरिज्म एंड ट्रेवलिंग फॉर दीज रीजन इज नोन एज टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट ठीक है दोस्तों आगे बढ़े डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म मतलब कि कैसे अब इस चीज़ को हम लोग और बेहतरीन कर पाएं ताकि इंप्लॉयमेंट भी मिले और लोगों को मनी भी मिले तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म दोस्तों ठीक है करके देखें इसे आ जाओ और दोस्तों क्या वन शॉट लेक्चर है जब ये लाइव लेक्चर होंगे तो हम ज्यादा इंजॉय करेंगे और आप लोगों के साथ वन टू वन इंटरेक्शन करके और ही मज़ा आएगा सो दिस इज लाइक आई हैव टू फिनिश विद इन सर्टेन लिमिटेशन ऑफ टाइम दैट्स आई एम गोइंग लिटिल बिट ऑफ फास्ट इफ यू थिंक सो अदरवाइज इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू लॉट ठीक है फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट क्या क्या देना चाहिए आप देखिए आप लोग सोचिए सेफ और सिक्योर्ड होना चाहिए पहली बात तो और वो क्या सेफ सिक्योर्ड एक तो लोकल एरिया भी सेफ सिक्योर होना चाहिए दूसरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छा होना चाहिए मालूम पड़ गया जा रहे थे हम लोग उत्तराखंड खाई में गाड़ी गिर गई तो क्या ही फायदा टूरिज्म का जब इंसान ही गायब हो गया इंश्योर सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट तो मतलब क्या अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ मर्डर डेकोइटी या चोरी चमारी होनी चाहिए तो वो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अकोमोडेशन एंड अरेंजमेंट होटल अरेंजमेंट तो गुड अकोमोडेशन मतलब होटल साफ़ सुथरे होने चाहिए उसमें क्लिनलीनेस अच्छे से मेंटेन करके रहना चाहिए होटल जब चाहे तब वो लोग जहाँ भी चाहें जैसे अगर समझो घूमने निकले थे किसी फोर्ट के पास रात हो गई तो जहाँ चाहे वहीं पे होटल बुक कर पाए अच्छी फैसिलिटी रखें तो एक पहला हमारा था एस से सेफ सिक्योर दूसरा सेफ्टी और थर्ड है गुड अकोमोडेशन रहने की जगह अच्छी हो गुड वॉशरूम अब उसमें पीलापन पन्ना छाया रहे ठीक है और रूट्स पर भी ट्रैवल रूट्स पर समझो बीच में टॉयलेट लग गए किसी को तो उतर के कर पाएँ एंड टूरिस्ट के लिए सब होना चाहिए हमारे इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत है ये सब स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स द नीड ऑफ द स्पेशली चैलेंड पीपल तो जो बच्चे बच्चियां या जो इंसान चल फिर नहीं सकते या थोड़े से हैंडी कैप्ट बोलते हैं स्पेशली एवर जिनको बोलते हैं उनका भी ध्यान रखी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट्स गिव इट अ स्टार मार्क ये दिस इज इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं ऐसे मजे के लिए दे दिया चलो प्रिकॉशंस टू to... प्रिजर्व द रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स अब दूसरा क्या प्रिकॉशन मतलब हम लोग को क्या परहेज करना है क्या प्रिकॉशंस लेने हैं तो सो so दैट कि वो जगह हमारी हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए भी अवेलेबल रहे टू अवॉइड डिफेसिंग और वेंडलाइजिंग द मोन्यूमेंट्स तो ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा काला कर दे मुंडी उड़ा दे या तोड़ दे मूर्ति तो वो अवॉइड करना है दूसरा रिस्ट्रेनिंग रिस्ट्रेनिंग होगा रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम राइटिंग नेम्स ऑन दॉल्स और कार्विंग ऑन द ट्रीज तो वो समझ गए ना राज लवस। प्रिया वाला ये सब सीन मत करिए भैया कि खराब होता है अच्छा नहीं लगता ये अवॉइड पेंटिंग ऑन एंशियन मोन्यूमेंट्स इन बोलते न जेरिश कलर्स एंड मेकिंग द प्रेजेंट फिल्टी ये कुछ नहीं होगा प्रीमाइज फिल्टी होगा प्रीमाइज फिल्टी मतलब क्या डार्क कलर्स में उसको मत करिए सो दैट कि पहले बात तो कलर करना है क्यों है तो ऐसे कलर्स जो कभी निक, निकल ना पाए वैसे कलर्स में मत करिए और फिल्म मतलब कचरा मत फैलाइए वहां पे हेरिटेज साइट शुड अ बेसिक फैसिलिटीज इन इट्स देखिए प्रीमाइज होना चाहिए उसके सराउंडिंग में क्या होना चाहिए हम लोग को ये मिलना चाहिए कि बेसिक टॉयलेट हो गया खाने पीने की चीज़ें हो गई नहाने की चीज़ें हो गई कपड़ा जो जो चोटी, चोटी तो जो छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायरमेंट अगर ट्रैकिंग चाहिए तो ट्रैकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होनी वो अवेलेबल होनी चाहिए अराउंड एंड इट शुड बी फिल्थ फ्री तो वो जगह क्या होनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए ये चार पाँच प्रिकॉशन आप लोग को याद रखना है तो प्रिया लव्स अरिया प्रिया लव्स राज राज लव्स प्रिया तो राइटिंग अवॉइड करना चाहिए कलरिंग अवॉइड करना चाहिए वेंडलाइजिंग मतलब मूर्ति को तोड़ना डीफेसिंग करना उसको फेस को हटा देना या फिर तोड़ देना या फिर कलर कर देना ये अवॉइड करना चाहिए इसी तरह से डार्क कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए चौथा ये हमने पढ़ा और फिल्थ फ्री मतलब उसको डर्टी नहीं करना चाहिए मालूम पड़ा अगर कौवे वे वी वे वहाँ पर अगर थोड़ा सा पॉटी कर दे तो साफ कर देना चाहिए उसको फिफ्थ पॉइंट आता है कि हम लोग को बेसिक जो भी ज़रूरतें होती हैं वहाँ पर सराउंडिंग में या फ्रीमाइज में रखना चाहिए लास्ट पाट इस शुड भी फिल्थ फ्री कचड़ा नहीं होना चाहिए नीचे फैक्टर्स रिक्वायर टू बूस्ट टूरिज्म अगर और टूरिस्ट को बुलाना है किसी जगह पर तो क्या क्या करेंगे देखिए इंफॉर्मेशन ऑन द टूरिस्ट साइट शुड बी रिटर्न इन द इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज तो देखिए इंग्लिश मतलब जो फॉरनर्स आते हैं उनके लिए और जो हमारे बाहर से मतलब जो लोकल लोग भी आ रहे हैं उनको भी पता चले कि हिस्ट्री में क्या था जैसे कि अगर आप लोग ले लीजिए नेशनल पार्क ऑफ दी हमारा बोरीवली नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क तो उसमें लोकल लैंग्वेज में मराठी में भी लिखा रहना चाहिए सो दैट कि जो लोकल पीपल आ रहे हैं वो जान पाए कि अरे ये केव्स किसने बनाया था कौन से सेंचुरी में बना था दूसरा जो फॉरनर्स है उनके लिए इंग्लिश में सो तो दैट कि वो समझ पाए कि इसकी हिस्ट्री क्या थी पैम्पलेट्स गाइड्स मैप्स एंड हिस्ट्री बुक्स चार चीज़ें पैम्पलेट मतलब नहीं आते क्लासेस के पैम्पलेट्स आप लोग देखें वैसा गाइड्स की देखिए यहाँ से लेफ्ट लिखिए तो आप लोग को ये इतना साल पुराना वाला केव मिलेगा मैप्स दिखाइए उसमें और हिस्ट्री बुक भी रखिए जो भी रिलेटेड रहेगा शुड बी मेड अवेलेबल टू दिट टूरिस्ट और चीप रेट में ये तो इतना रेट ना कर दें कि वो खरीदे ही ना अ गाइड शुड बी क्वालिफाइड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म गाइड क्वालिफाइड होना चाहिए मतलब उसको लैंग्वेज आनी चाहिए वो सोबर होना चाहिए और उसके पास में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए अच्छा बंदा होना चाहिए अगर रेडी है हेल्प करने के लिए आउट ऑफ द वे हेल्प भी कर पाना चाहिए और दूसरों को क्या करना चाहिए मिस गाइड नहीं करना चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए तो वैसा होना चाहिए गाइड A proficient speaker, of course, a proficient speaker अच्छा दो तीन लैंग्वेज में दो लैंग्वेज बात करने आना चाहिए वैसे वाले तो एक तो लोकल लैंग्वेज वाला और दूसरा इंग्लिश वाला आना चाहिए प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज आर हेरिटेज पहले तो इंडिया इज बेस्टोर्ड विद द कल्चरल मैनमेड एंड नेचुरल हेरिटेज दोनों हैं नेचुरल मतलब नेचर में ऑलरेडी थे और कल्चरल मतलब जो हमने खुद ह्यूमन ने बनाया था इसमें आपका विजिबल भी आता है और इनविजिबल भी आता है उसी को बोलते हैं टाइम जीवल इन टाइम याद होना चाहिए आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वी हैव प्रिजर्व वी हैव टू प्रिजर्व द एंशियंट मीडिबल एंड मॉडर्न हेरिटेज ऑफ द कंट्री ये क्या टाइम है जो बहुत पुराना हिस्ट्री था जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन थी मॉडर्न एम्पाइन एंशेंट हो गया मिडियवल मतलब जब इस्लामिक कह रहा था इंडिया में डेली चलते और मुगल है रहा होगा और मॉडर्न मतलब क्या होगा जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे जो विजयनगर एम्पायर जैसे चीजें बनी थी तो उनको भी और ब्रिटिशर्स के भी मोन्यूमेंट भले आप लोग को बुरा लगे लेकिन बचा के तो रखना है ठीक है द ताजमहल या टागरा जगहें देखें जंतर मंतर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर फोर्ट्स इन महाराष्ट्र केव्स ये सब एनरिच आवर हेरिटेज ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स तो ये सब सारी चीज़ों को हमको बचाना है हेरिटेज साइट्स इन आवर कंट्री आर विजिटेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन लार्ज नंबर्स तो ताजमहल पहले बहुत जाते थे अब धीरे धीरे आप लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि महाबलीपुरम में जाते हैं लोग तमिलनाडु के जहाँ पे ना मोनोलिथ्स है मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर से पूरा हाथी बना दिया गया तो वैसे काइंड kind ऑफ of जगहों पर अब ज़्यादा जा रहे हैं अब लोग ताजमहल कम विजिट कर रहे हैं ये इस साल का अब अगले साल देखिए क्या होता है लेकिन हाँ ताजमहल में अभी भी हमारा लोकल टूरिज़्म बहुत हो रहा है लोकल टूरिज़्म मतलब अभी भी इंडिया के लोग ताजमहल जो सबसे ज़्यादा नंबर में जाते हैं वो ताजमहल में जाते हैं लेकिन जो फॉरेनर्स थे वो पहले ताजमहल सबसे ज़्यादा नंबर में ताजमहल लेकिन उन लोग अब शिफ्ट करके तमिलनाडु में चले गए महाबलीपुरम में ये ट्रेंड है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज टू प्रिजर्व फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज वी हैव टू मेक रिजोल्यूशन तो ये प्रॉमिस है आप लोगों को लिखने को आ सकता है प्रॉमिस काइंड ऑफ है ये देखिए I shall strive to maintain the cleanliness of the heritage sites. तो so, पहले I shall strive मतलब मुझे कोशिश करनी है। I shall not do anything which will damage any historical site. तो historical site यहाँ पे भी और यहाँ यहाँ पे heritage site यहाँ पे historical site. तो ये दो promise आपको करने हैं। Okay. Professional opportunities in the tourism and hospitality industry. Hospitality मतलब जब जहाँ जाते हो hotels में रहते हैं जो services मिलते हैं उसको hospitality बोलते हैं। Hospital नहीं। अब tourism एन इंडस्ट्री अब इसमें आपको बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इसी के साथ आपका चैप्टर भी दी एंड हो जाएगा लेकिन आपकी नॉलेज कभी एंड नहीं होगी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री विच हैज पोटेंशियल टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लेकिन देखिए देखिए जिसको भी लोकल हिस्ट्री पता है उसके पास क्या होना चाहिए दो तीन लैंग्वेज आनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए नेचर से तो उसको पैसा ही पैसा मिलेगा लोग रेडी रहेंगे उसको पैसा देने के लिए इट इज़ स्टेबल इंडस्ट्री एंड हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन जैसे कि कुछ अलग अलग चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वीडियोग्राफी दिखा सकते हो लोगों को ऑडियो दिखा सकते हो कुछ ऐसे एक्शन अगर डांस फॉर्म दिखाना तो आप त्रिभंग पोज लेके दिखा सकते हो त्रिभंग पोज पता है कि नहीं बॉडी तीन जगह पर जाती है वन टू थ्री चलो तो वैसे त्रिभंग पोज भी आप दिखा सकते हो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन ला सकते हो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो होटल दे सकते हो उसी के अराउंड में फिर आपसे एडवेंचर पार्क बना सकते हो देर इज लॉट ऑफ स्कोप और स्टेबल है मतलब लोग आएंगे ही देखने को इतने मजा वाटर किंगडम देखिए लोग जाते हैं मजा आता है वहां पे और जब भी लॉकडाउन था नहीं जाते थे लेकिन फिर भी खोल, खुलने का वेट करते थे कि लॉकडाउन खुले तो हम जरूर जाएंगे इफ मैनेज प्रोफेशनली प्रोफेशनली मतलब सही तरीके से कि एकदम ऐसा नहीं है कि चलने दो अच्छे से मैनेज करो इट इज प्रॉफिटेबल बढ़िया तरीके से पैसा ही पैसा मिलेगा आप लोग को इन मॉडर्न टाइम्स टूरिज्म हैज बिकम अ प्रोफेशन विच इज़ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब कुछ भी नहीं चाहिए ऑलरेडी जो जगह है उसी से बताओ उसी से पैसा कमाओ सोचिए आपको कुछ नहीं देना है वहां पे साइट्स हैं बताइए उसके बारे में और उसको इनोवेशन लाइक मज़ेदार हंसीदार एंटरटेनिंग इंफोटेनमेंट रहना चाहिए उसके अंदर सब सारी चीज़ें करिए एक्टिवेट लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तीनों जगहों पर आप पैसा कमा सकते हो लोकल लोगों को भी बताया कि नेशनल मतलब कहीं और के लोगों को मतलब इंडिया से कहीं से भी आए लोगों को और तीसरा इंटरनेशनल आए लोगों को बताइए और इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है इसको वहाँ पे आराम से लोगों को बताइए पैसे इंडिया को जनरेट करके दीजिए बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फॉरेन टूरिस्ट तो क्या फ़ायदा जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं अ कंट्री रिसीव मनी ऑन ग्रांटिंग वीजा तो जब यहाँ से यू से लोग जब आते हैं इंडिया में तो उनको भी इंडिया से वीज़ा चाहिए ना तो ये लोग क्या करते हैं कुछ पैसा देते हैं इंडिया को डॉलर के फॉर्म में कि हमको वीज़ा दो तो इंडिया वीज़ा दे देती है तो वो पैसा आता ही है दूसरा इनकम इज़ जनरेटेड फ्रॉम देखिए तो वो लोग आते हैं तो होटल ट्रांसपोर्ट एंड फूड सर्विसेज में पैसा खर्चा करते हैं तो वो पैसा हमको मिलता है गाइड्स एंड इंटरप्रेटर्स गेट दी इनकम तो गाइड मतलब जो बताता है अगर उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश कन्वर्ट करने उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इंग्लिश में बताने वाले या जर्मन या फ्रेंच में बताने वाले को भी पैसा मिलता है टूरिस्ट बाय न्यूज़पेपर रेफरेंस बुक्स एंड सुवेनिस मतलब वहां के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वाली बुकें वो पढ़ते हैं तो देखिए कितना पैसा दे के जाते हैं देश को वो लोग बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अब वो क्या करेंगे देखिए लोकल मार्केट हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री गेट अब बूस्ट तो क्या होता है अब मैं जब कोल्हापुर जाऊंगा बिना कोला कोल्हापुरी चप्पल के वापस आ सकता हूं आगरे का पेठा खाए बिना मैं वापस आ सकता हूं और नागपुर के संतरे या उनसे रिलेटेड जो स्वीट्स है बिना ले आ सकता हूं तो देखिए लोकल मार्केट हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाई चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटे से घर के लेवल पे ऊपर कुछ काम ना करते हैं आ, कुछ कपड़ा बनाते हैं कुछ हैट बनाते कुछ स्लीपर्स बनाते हैं अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो उनको बूस्ट मिलता है जब भी टूरिस्ट आते हैं सही बात है दोस्तों आप जब जो भी ऐसे जगहों से रिलेट करते हो उनको ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रही होंगी इंक्रीज इन डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस फूड लोकली मतलब जिसकी पैकेजिंग जिसकी मार्केटिंग लोकल लेवल पे होती है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ़ एथनिक हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंक्रीज एथनिक मतलब जो वो पर्टिकुलर जोन में ही मिलती है उनको प्रमोशन मिलता है इट इंक्रीजेज द इनकम ऑफ लोकल आर्टिसंस जो लोकल आर्टिस्ट रहते हैं बिजनेस मैन जिसने ये सब कंपनी में लोगों को जमा करके रखा है एंड वेज अनर्स जो डेली के गाइड रहते हैं जो डेली वेज लेते हैं जो पगार लेते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन होटल इंडस्ट्री तो वहाँ पर तो ये सब तो था कि बाहर का मार्केट अब होटल में जो काम कर रहे हैं जो खाना बना रहे हैं जो सर्व कर रहे हैं उनको भी तो फ़ायदा मिलता है एंड अकोमोडेशन एंड इन दिज शॉप्स ये सबको फ़ायदा शॉप्स में क्या रहता है ऐसा कोई टेंपल गए हो तो वहाँ पे जो स्पेशल पेड़ा होता है जो स्पेशल भगवान की मिठाई होती है जो लड्डू होते हैं भगवान के हार फूल जो होते हैं भगवान का रुद्राक्ष होता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग देते हो और बेचते हैं तो उससे पैसा मिलता है, है। सेम आप जाओगे अजमेर शरीफ तो चादर चढ़ाएंगे और इस तरह से वहाँ पर जो शूज़ का मार्केट बहुत अच्छा है तो वो सब सारी चीज़ें खरीदेंगे और उससे क्या होगा लोकल मार्केट बूस्ट होगा पैसा बढ़ेगा हेरिटेज वॉक क्या होता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा चीज़ है टू गो टू हिस्टोरिक प्लेसेस इन हेरिटेज वॉक हेरीटेज वॉक में क्या होता है संडे के समझिए ये लोग डिसाइड करते हैं कुछ लोग मिलकर गुजर लोग कि आज अपन जाएंगे नरीमन पॉइंट मुंबई में एक जगह है. तो ये लोग क्या करते हैं नज़दीकी रखते हैं बहुत दूर नहीं जाते लेकिन संडे के दिन हेरिटेज वॉक कैन गिव अस ए थ्रिल टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री तो ऐसे हिस्टोरिकल जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं आज हम लोग इस जगह जाएँगे तो एक मज़ा आता है कि यार रेडी रहते हैं एफर्ट्स आर मेड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ हेरिटेज वॉक्स तो हर संडे को लोग ऐसी अलग अलग जगहों पे जाएं इससे क्या होगा जो हमने पीछे पड़ा हर एक चीज उठ के आएगी प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड गैदर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट एंड पब्लिक फॉर सेम तो देखिए अगर लोग बहुत ज्यादा नंबर में जाएंगे तो वहां को प्रोटेक्ट भी करेंगे ना कि अरे यार लास्ट ईयर गए थे इतना अच्छा था अभी खराब क्यों कर दिया और या तो खराब था बोलेंगे अरे यार इतनी अच्छी जगह थी ये सब पास में आज हम लोग आए देखिए खराब हो गया इसको ठीक करते हैं इसको प्रिजर्व करते हैं इसको कंजर्व करते तो लोग एफर्ट लेंगे और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन गाइड दे रहा था बोलेंगे हम लोग संडे को आए इतना प्रिपरेशन इतना पढ़ के आए तो गलत बता रहा है तो उसको ठीक करेंगे तो फायदा बहुत होता है हेरिटेज वॉक से हेरिटेज वॉक इन अहमदाबाद ज फेमस दे आर ऑर्गेनाइज इन मुंबई एंड पुणे एज वेल तो तीन जगह पर अहमदाबाद मुंबई पुणे टूरिस्ट प्लेसेज इन महाराष्ट्र तो देखिए केव्स टेम्पल्स हिल स्टेशन डैम्प सेंचुरीज ऑन हिस्टोरिकल प्लेसेस तो देखिए देखिएगा इसमें हेल्प करना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हुआ निमोनिक्स बनाइए आप लोग और जिसको भी निमोनिक्स आता है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा मेरे पास खुद के हैं लेकिन अगर आप लोग उससे अच्छा बना लेते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन दी बिलो सो दैट कि और लोगों का हेल्प हो क्या पूछते हैं वो लोग कि एलोरा केव्स तो एलोरा केव्स किसका पार्ट होगा हम लोग बोल रहे हैं कि ये हिल सेंक्शन है से। ठीक है हिल स्टेशन सॉरी तो हिल स्टेशन तो नहीं है एलोरा केव है केवंता एलोरा केव्स है तो हमारे किसके पार्ट आते हैं केव के तो ये मैच द फॉलोइंग और इसमें सब ये आ जाते हैं महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन एम अब ये क्या काम करता है ये बना था नाइनटीन में ऑब्जेक्टिव मतलब इसका काम क्या था टू तो गिव बूस्ट टू अ टूरिज्म तो इसने क्या किया था कॉर्पोरेशन बिल्ड टूरिस्ट होटल देखिए टूरिस्ट होटल अकोमोडेट मोर देन फोर थाउजेंड टूरिस्ट तो पहला बना सेवेंटी फाइव में दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बूस्ट टूरिज्म कैसे बूस्ट किया फोर्टी सेवन होटल्स बनाए जिसमें चार हजार टूरिस्ट आ सकते हैं मेनी प्राइवेट एंटरप्राइज ऑल्सो रेंडर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज तो प्राइवेट वाले मतलब जिनके पास दान पुण्य करना है और या तो ये किसी को पैसा दे के जैसा भी बनता रहे फ्री का बने या थोड़ा पैसा दे के अगर टूरिज्म बूस्ट हो रहा है तो करवा दो उस चीज को अब डू यू नो अब ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जस्ट लास्ट पार्ट है अब विलेज नेम्ड भिलार इज नेशल इन दिस ब्यूटी नियर दी महाबलेश्वर द लैंड ऑफ स्ट्रॉबेरीज तो ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है दूसरा पढ़ते हैं विलेज ऑफ बुक्स किसको बोलते हैं हम लोग बुक्स बिकॉज द स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होता लाइब्रेरी आप किसी भी घर में जाइए बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं जैसे अपने सिटीज में होता है या गांव में होता है कोई भी एक विलेज लिया वहाँ पे जाइए घूमिए पढ़िए जो को बुक पढ़ना है बुक बन दीजिए और सब फ्री है सब फ्री जो बुक चाहिए जीरो से लेके हीरो तक की बुक वहाँ पे है टू इनकलकेट रीडिंग कल्चर मूवमेंट एंड ऑल्सो फॉर टूरिस्ट टू

तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है समझिए कि हर एक समझिए गांव में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा कि ये पहले वाले घर के अंदर कौन सी बुकें रखी गई हैं अब यहाँ पे एंटर करोगे तो बहुत सारे रो ऐसे रहते हैं तो कौन सी रो में समझिए यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आप और आगे बढ़े यहाँ पे रहेगा आपको उस जगह से रिलेटेड समझिए कि कोई अगर सीनिक ब्यूटी है जोग्राफिक ब्यूटी है तो उससे रिलेटेड बुकों के बारे में आपको यहाँ पे बोर्ड लगा रहेगा पढ़ लीजिए सब और किसमें कौन सी बुक है अगर आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है तो तीसरे नंबर के रो में चले जाइए वहां पर मिल जाएगा तो ये सब इन्फॉर्मेशन लिखा गया है इन दिस कलेक्शन वी फाइंड बुक्स ऑफ ओल्ड न्यू ऑथर्स एंड सेंट्स रेंजिंग इन टाइप फ्राम बायोग्राफीज ऑटो बायोग्राफीज फिक्शंस पोएट्री फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानियां जो रियल नहीं होती वैसी पोएट्री लिटरेचर्स बाय वुमेन ऑन स्पोर्ट्स एंड चिल्ड्रेन लिटरेचर चिल्ड्रन मतलब बच्चों की जो कहानी आती है पंचतंत्र का ये सब मिलते हैं वहाँ पे तो नए ऑथर भी पुराने ऑथर भी रिलीजियस बुकें भी पोएट्री भी स्टोरीज भी इवन जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोग को बोलते हैं कि फिक्शन वाली स्टोरी भी सब मिलेगा आपको ये विलेज के अंदर अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा लास्ट चैप्टर दैट इज नाइन्थ चैप्टर इसको हम लोग भी वन शॉट में ख़त्म करेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और मेक श्योर किया है कि आप हमारे चैनल पे बार बार आते रहें हमें सपोर्ट करते रहें और जज्बा देते रहें विल मेक श्योर कि हम आपको और अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवर करते रहें अभी तो जस्ट हमने शुरू किया है आगे हम इसे और बेहतरीन करेंगे थैंक यू एवरी वन हैव अ नाइस डे एट सायनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों बाय बाय